व्हीकल एक्ट का लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। बिहार में नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध जोर शोर से किया जा रहा है। इसी कड़ी में कटिहार में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिर पर हेलमेट की जगह प्लास्टिक की बाल्टी पहनकर शहर में चक्कर काटे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजद नेताओं ने जुर्माना राशि कम करने की मांग की। क्या हम मोटर व्हीकल एक्ट लाना चाह रहे हैं, उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ ने मना कर दिया, मध्य प्रदेश ने मना कर दिया, राजस्थान ने मना कर दिया, गुजरात मना कर दिया। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जहां से रहने वाले जो महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र ने भी इस नियम को मानने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार जहां ये दूसरी तरफ नीतीश कुमार बिहार में शिक्षा मित्र को पेमेंट नहीं करते हैं, आशा को पेमेंट नहीं है, हॉस्पिटल में नर्स या डॉक्टर हो या कंपाउंडर उसको पेमेंट नहीं है, आम एक रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ बिहार के सबसे पिछड़ा जिला, गरीब जिला, और नीतीश कुमार ने अब तक इस कानून को मानने से इनकार नहीं किया। साफ साफ नीतीश कुमार जी को चुनौती देते हैं, अगर आने वाले 5 दिन में इस नियम को समाप्त नहीं किया गया तो बिहार का एक बड़ा आंदोलन नीतीश कुमार को झेलना पड़ेगा, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। भैया हेलमेट के जगह बाल्टी पहनना है, अब आप देखिए ना प्रशासन क्या कर रहा है, हेलमेट के जगह जहाँ पर 1,000 रुपया फाइन लगना है, आप बताइए जिसकी परिवार का इनकम 2,000 हो, 3,000 हो, वो कहाँ से 1,000 का फाइन देगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ संशोधन किए हैं, जिसके चलते यातायात नियमों के तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। इस बात से लोग काफी नाराज हैं। बता दें कि यातायात के नए नियम लागू होने के बाद 25,000 रुपए का पहला चालान काटा गया, साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया था। पंजाब केसरी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।